चलिए आज हम आपको अपना विद्यालय दिखाते हैं जो कि बहुत ही सुंदर हो चुका है। बाला पेंटिंग ने स्कूल में चार चांद लगा दिया है और आप देख सकते हैं करे योग रहे निरोग। बच्चों तुम करो पढ़ाई, बाल मजदूरी है बुराई। अलग अलग स्लोगन, अलग अलग कोटेशन के साथ दीवारें बोल रही हैं। आप देख सकते हैं प्रदूषण का बहुत ही सुंदर चित्र। ICT का ज़माना है तो कंप्यूटर कैसे पीछे रह सकता था, और कंप्यूटर को बहुत ही सुंदर दीवार पर अच्छे से चित्रित किया गया है। ये हमारे बच्चे, यहाँ आप देख सकते हैं कि प्राकृतिक दृश्य को कितना सुंदर दीवार पर उभारा गया है। चलिए अब हम विद्यालय के अंदर चलते हैं। यहाँ की भी दीवारें बोल रही हैं, विद्यालय आपका है, इसे स्वच्छ रखें। निश्चित ही विद्यालय हमारे पूरे गांव का होता है, विद्यालय हमारा परिवार होता है, तो इसकी साफ़ सफाई, इसकी स्वच्छता की जिम्मेदारी हमारी है। सब पढ़ें, सब बढ़ें। यहाँ पर बच्चों को एक एक्सरसाइज के रूप में दिया गया है और आप आगे देख सकते हैं। गिनतियाँ भी आप देख सकते हैं कि दीवारों पर प्रदर्शित हो रही हैं और कहीं ना कहीं दीवारें बोल रही हैं। ये एक कहानी जिसको बच्चों को खुद से सुनानी है, सिर्फ चित्र देखकर बच्चे कहानी अपने ज़ुबानी बताएंगे। और यहाँ आप देख सकते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। एक कदम स्वच्छता की ओर, स्वच्छ भारत। जब दीवारें बोलेंगी तो बच्चे अपने आप बोलेंगे, और इस दीवारों को देखकर बच्चे पहाड़ी कुछ अच्छे से सीखेंगे। यहाँ पर स्वच्छता से संबंधित स्लोगन, और साथ ही साथ हम आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ पर बच्चों के लिए झूला भी लगा हुआ है। और चलिए अब हम आपको आगे की दीवार दिखाते हैं। ये रेनबो को प्रदर्शित करती हुई ये दीवार बहुत ही सुंदर, और साथ ही साथ बच्चों के खेलने के लिए पूरी सुविधा दी गई है, बच्चों के लिए झूले लगवाए गए हैं। हमारा ये प्रयास है कि बच्चे पढ़ने के साथ साथ खेल कूद में भी आगे रहें। और ये G20 को प्रदर्शित करती हुई हमारी बहुत ही सुंदर वॉल, चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। मछली जल की रानी है, बहुत ही सुंदर। बच्चे चित्र देखेंगे और खुद से कहानियाँ बनाएंगे। कहीं ना कहीं प्रयास है कि क्लास से बाहर भी जब बच्चे आए तो बहुत कुछ सीखें और खुद से अपनी क्रिएटिविटी हमारे सामने प्रदर्शित करें।
कर्म ही पूजा है, बिल्कुल कर्म से बड़ी कोई पूजा नहीं है। यहाँ पर गणित के रूप में आप देख सकते हैं अलग अलग शेप्स बनी हुई है। क्लास ही नहीं, अब बाहर की दीवारें भी बोलेंगी। बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जब बच्चे क्लास के अंदर और क्लास के बाहर दोनों ही सीखेंगे। और आप यहाँ देख सकते हैं बहुत ही सुंदर, एक क्लास के बाहर पूरा सौर परिवार। सौर परिवार से पूरी तरह से ये दीवार बोल रही है। और आगे हम देख सकते हैं हमारी अंदर की बाउंड्री। रसोई घर को प्रदर्शित करती हुई ये दीवार। यहाँ पे बच्चे मंथ नेम सीखेंगे, डेज नेम। मात्राएं बोलती हुई, अल्फाबेट्स, और ये फिर से एक कहानी जिसका सृजन खुद बच्चे करेंगे। चलिए अब हम चलते हैं अपनी क्लास में। ये बच्चों के लिए एक रोल प्ले के लिए भी कॉर्नर दिया गया हुआ है कि बच्चे अलग अलग मास्क के द्वारा, अलग अलग पपेट्स के द्वारा रोल प्ले करेंगे। ये विद्यालय का बरामदा, ये विद्यालय की दूसरी क्लास। हर दीवारें कुछ ना कुछ बोल रही हैं। ये बच्चों का रीडिंग कॉर्नर। ये हमारी दूसरी क्लास। आवाज काट दीजिएगा ना। ये क्लास फर्स्ट के बच्चों का रीडिंग कॉर्नर, नाटिका कॉर्नर। बहुत ही अट्रैक्टिव बनाया गया है जिससे बच्चे अलग अलग तरीके से सीखें और बच्चे फैसिनेट हो, बच्चे यहाँ से आकर्षित हो। हर दीवार कुछ इस तरह से बनाई गई है कि बच्चे अलग अलग सीखें। ये हमारे विद्यालय का कार्यालय जहाँ पर बच्चों की अलग अलग एक्टिविटी की तस्वीर हमने दीवारों पर चस्पा की है, जिसे बच्चे देखकर खुश होते हैं कि हमारा रिकॉर्ड रखा गया है।
और बच्चे अपनी फ़ोटो देख देख कर और ज़्यादा इंस्पायर होते हैं कि हमें और कुछ अलग सा करना है। ये बच्चों के द्वारा बनाया गया टीएलएम।